नामजद लोगों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप ग्रामीण ने लगाया है। ललितपुर जिले के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बनौली से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, जहां लाखन सिंह का आरोप है कि उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। हुल्लू ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि वह दिव्यांग है और उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। बताया है कि थाना जखौरा में शिकायत पत्र भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुनवाई नहीं होती है तो वह कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करेगा। संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की विस्तृत रिपोर्ट। से आए बानोली गांव से आए हैं। आपको क्या समस्या? समस्या ये है कि माफिया गुंडों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया जबरदस्ती। ऐसा कब से चल रहा है? ये चल रहा है करीब 6 महीने हो गए। अच्छा, इसकी सूचना कहां कहां दी आपने? इसकी सूचना जो है पूरे ललितपुर जिले में लखनऊ तक कई कार्रवाई कर चुका हूं मैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज आप कहां आए? आज ललितपुर आए हैं डीएम साहब के पास। तो डीएम साहब से मुलाकात हुई? डीएम साहब से मुलाकात हुई, डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई होगी जी। अगर कार्रवाई नहीं होती है जी, तो डीएम साहब की इसी कलेक्ट्री में जो है रस्सा से फांसी लगा करके आत्महत्या ले लूँगा। मेरे जैसी गरीब लोगों की अगर संपत्ति ऐसी चली गई तो कैसे बचेंगे? जिन लोगों ने कब्जा किया उन लोगों का क्या नाम है? उन लोगों का नाम है मकुन सिंह सनोप चंदन सिंह, कल्लू सनोप चंदन सिंह, रहीस सनोप चंदन सिंह, ईनल सनोप मकुन सिंह, 4-5 लोग हैं। लेखपाल ने आपको मतलब फ़ोन लगा के मतलब क्या धमकी दी? ये फ़ोन लगा के धमकी नहीं थी, सामने कह रहा था हम थाना दिवस में गए हैं। जिस दिन उनने बृहस्पित को मेरी ज़मीन बे लई उस दिन थाना दिवस में गए तो ये कह रहे था कल जहाँ तेरे को जाना हो जहाँ चला जा, लखनऊ चला जा, डीएम साहब के पास चला जा, ये धमकी दे रहे थे। जिनने 5,000 रुपये लेखपाल जी ने ले लिया सामने वाली पार्टी से। आपके यहाँ लेखपाल कौन है? नाव जाना देखा।